गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर दो दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए वहां जमकर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के दौरान एक युवक वहां स्थित एक होटल के बाहर रखे गर्म दूध के कढ़ाई में जा गिरा, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत कर वावई लूटने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई है, जिसका खामियाजा एक युवक को भुगतना पड़ा। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जाफरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं में उनका स्वागत करने की होड़ मच गई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते रामदीन देवड़ा नामक युवक होटल के बाहर रखी गर्म दूध की बड़ी कढ़ाई में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को बाहर निकाला और उस पर ठंडा पानी डाला और उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। बताया जा रहा है कि कढ़ाई में गिरा युवक उस दुकान का संचालक था, जो अपनी दुकान के बाहर दूध की कढ़ाई के पास खड़ा था। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दूध ज्यादा गर्म होने से उसके हाथ, सीना, पैर व कंधे झुलस गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।